नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि WhatsApp पे आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप ऑनलाइन हो और उनको ऑफलाइन दिखे, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कोई फ्रेंड मैसेज भेजे आपके WhatsApp पे और उनका मैसेज आप पढ़ लिए हो और उनको ये दिखे कि आपने उसका मैसेज नहीं पढ़ा हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर किसी को भी ना दिखे, तो गाइज आज मैं इस वीडियो पे WhatsApp के इन्हीं सब सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिए। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे छोटी छोटी टिप्स लेके आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग WhatsApp पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद गाइज आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, इसको यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कई सारे ऑप्शन हैं, लास्ट सीन प्रोफाइल अवार्ड स्टेटस वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है गाइज, ये जो लास्ट सीन का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहा है, तो ये जहाँ पे पहले वाले पे जो क्लिक है एवरीवन पे, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में जितने भी मतलब व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं सभी लोग आपको ये देख सकता है कि आप कब ऑफलाइन हो कब ऑनलाइन हो, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर जैसे ही आप इसको नीचे सेकंड वाले पे ओके रखते हो तो उससे ये होता है कि आपके कॉन्टेक्ट में जितने बंदे हैं वो आपको देख लेंगे कि आप कब ऑफलाइन हो कब ऑनलाइन हो। और गाइज सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग ये है लास्ट वाला, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इसको रखते हो ये स्टिक को, तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप में है कोई भी नहीं देख पाएगा कि आप कब ऑफलाइन हो कब ऑनलाइन हो। तो गाइज मैं आप लोगों को लास्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल पे भी, सेकंड नंबर पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन है यहाँ भी आप देख सकते हो फर्स्ट में एवरीवन, यानी कि अगर आप प्रोफाइल पिक्चर छुपाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक रखना है। माय कॉन्टेक्ट पे क्लिक करती हो तो कॉन्टेक्ट वाले लोग नहीं देख सकते हैं। नोबडी पे रखती हो तो वही बात है कि जितने भी लोग हैं कोई भी नहीं देख सकते हैं, तो इसको रहने दीजिए। और सबसे एक और मज़ेदार इसकी सेटिंग है गाइज, ये जो रीड रिसिप्ट नीचे लिखा हुआ है, अगर वो जो आप जैसे किसी का आपके मैसेज आया व्हाट्सएप पे और आप उसको पढ़ लिए और आप चाहते हो कि उसको पता ना लगे कि आप उसका मैसेज को रीड कर लिए हो, अगर ऐसा सेटिंग आप अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको आप ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो उस बंदे का जो मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप पे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है, ना दोस्तों, मज़ेदार। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।